नमस्कार, मैं हूं नेहा सक्सेना और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ग्रह विज्ञान के कक्षा 12 की प्रायोगिक के क्वेश्चंस, जो कि आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे और उम्मीद है कि आप इनकी द्वारा बहुत अच्छे अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को पारिभाषित कीजिए। 13 से 21 वर्ष की जो अवस्था होती है ना बच्चों, उसको अपन किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एडोलेसेंस शब्द से क्या अभिप्राय होता है। एडोलेसेंस शब्द का उद्भव लैटिन भाषा से हुआ है, जिसका मतलब होता है बढ़ना या विकसित होना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा जाता है। किशोरावस्था को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक तो पूर्व किशोरावस्था जो 13 से 16 वर्ष की होती है और एक उत्तर किशोरावस्था होती है जो 17 से 21 वर्ष की होती है। चौथा क्वेश्चन है अपना, किशोरों की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। पहला है सामाजिक संबंधी है, व्यवसाय चुनाव के चुनाव संबंधी है, स्वयं की आकृति के संबंधित है, स्वास्थ्य संबंधित है, जीवन साथी का चुनाव संबंधित है और समायोजन की किशोरों की मुख्य समस्याएं होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, किशोरों के मुख्य संवेग कौन कौन से होते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय, आकुलता व चिंता किशोरों के मुख्य प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के विकास कौन कौन से होते हैं। इसे अपन सर्वांगीण विकास कहते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, भाषात्मक विकास जो होता है, इसे अपन सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जानते हैं। सातवां क्वेश्चन है अपना बच्चों, संज्ञानात्मक विकास का क्या अभिप्राय होता है। संज्ञानात्मक शब्द का मतलब होता है ज्ञान और समझ का विकास होना, ठीक है, जिसके द्वारा जो विद्यार्थी होता है उसमें सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता जो होती है, कल्पना शक्ति होती है, इन सब का विकास होता है। आठवां क्वेश्चन है बच्चों अपना, गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं। गत्यात्मक विकास, गामक विकास या क्रियात्मक विकास, कुछ भी करके क्वेश्चन आए मतलब एक ही होता है, ठीक है। इसका आंसर है बच्चों, स्नायु तंत्र एवं मांसपेशियों के समन्वय से जो विकास होता है उसे अपन गामक विकास, गत्यात्मक विकास या फिर क्रियात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, सामाजिक विकास को समझाइए। समाज की भावनाओं और आदर्शों का नियम के अनुरूप व्यवहार करना, समायोजन स्थापित करना सामाजिक विकास कहलाता है। दसवां अपना क्वेश्चन है, किशोरों के कैरियर के चुनाव में विद्यालय व शिक्षक की भूमिका बताइए। विद्यालय वातावरण एवं शिक्षक बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और व्यक्तिगत विशेषताओं को पहचान कर उनके भविष्य को एक आकार प्रदान कर सकते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन है बच्चों अपना, किशोरों की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। सह शैक्षणिक गतिविधियों में उनकी सृजनात्मकता बढ़ाकर, शारीरिक शिक्षा व नैतिक शिक्षा देकर, कैरियर चयन में उचित दिशा निर्देशन द्वारा किशोरों की समस्याओं को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है बच्चों अपना, किशोरों के लिए कैरियर के चुनाव में माता पिता की क्या भूमिका होती है। माता पिता द्वारा बच्चों के पालन पोषण में अंतर्गत के दौरान दिया गया सहयोगात्मक वातावरण व रुचियों के जागृत कर व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलवाने के से कैरियर विशेष में रुचि जागृत की जा सकती है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है अपना, व्यवसाय चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपके कैरियर को इफेक्ट करती हैं। पहला है माता पिता, प्रतिष्ठा, विद्यालय, व्यक्तिगत विशेषताएं एवं सामाजिक आर्थिक स्तर आदि। 14 क्वेश्चन है अपना, वृद्धावस्था किसे कहते हैं। 60 वर्ष के उपरांत की जो अवस्था होती है इसे वृद्धावस्था या फिर जरावस्था के नाम से जानते हैं। अपना 15 क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था को अन्य किस नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, इसको अन्य जरावस्था के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, और अगले ही वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस और देखेंगे। धन्यवाद।